और लखनऊ में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि एक तरफ इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो वहीं भारत में इसको लेकर सियासत भी जारी है और कुछ लोग इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। इसी क्रम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिलिस्तीन पर हुए हमले की निंदा कर रहे हैं और फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं। ऐसे में प्रदेश में शांति व्यवस्था ना बिगड़े और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वहीं पुलिस कमिश्नर ने जिस भी जगहों पर जुम्मे की नमाज हो रही है वहां पुलिस बल तैनात करने के आदेश दिए हैं और जो लोग नमाज पढ़ने आए हैं उनसे भी आग्रह किया जा रहा है कि आप नमाज पढ़िए और उसके बाद अपने घरों को जाइए। जी, आज के जुम्मे की नमाज को लेकर के सारे धर्म गुरुओं से वार्ता की गई है और उन लोगों को यह अवगत कराया गया है कि जो सामान्य तौर पे जुम्मे की नमाज़ की जाती है वैसे ही नमाज किया जाए और किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक या उत्तेजनात्मक भाषण न किया जाए। जो आम जनता की, समाज की, कल्याण की और हित भलाई की बातें हैं यही बातें में दुआ की जाए और कोई भी ऐसी बात न की जाए जिससे आपस की जो है भाईचारा या प्रभावित हो या कोई भी द्वेष फैले। तो पूरी तरह से उसी को अनुपालन कराने के लिए हम लोग हर एक धार्मिक स्थल पर जहाँ जहाँ नमाज होनी है हम लोग पैनी नज़र रखे हुए हैं और फोर्स हमारी लगी हुई है, भ्रमणशील है, तो किसी तरह कोई बात नहीं।